हर हर महादेव। देखिए अलवर राजस्थान से एक राघव पाल हैं, इन्होंने अपनी जाति लिखी हुई है गड़रिया और वर्ण लिखा हुआ है शूद्र। इनका प्रश्न है कि गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि ये बताया जाए कि सतशूद्र लोगों को जैसा कहा जाता है कि कुछ संस्कार हो सकते हैं, तो वे कौन कौन से संस्कार हैं और वे कैसे कैसे किए जाते हैं और वो क्या कर्म हैं संस्कार आदि जिनको शूद्रों के द्वारा संपादित हो जाना चाहिए, अर्थात चतुर्थ वर्ण। इनका ये प्रश्न ये है कि चतुर्थ वर्ण वालों के कौन कौन से संस्कार हो सकते हैं और होना चाहिए। तो देखिए शास्त्रों में चतुर्थ वर्ण के दो भेद हैं, सतशूद्र और असतशूद्र। तो सतशूद्रों के कौन कौन से संस्कार हैं, असतशूद्रों के क्या संस्कार हैं तथा महिलाओं के, स्त्रियों के कौन कौन से संस्कार हो सकते हैं, होना चाहिए, किस विधि से होना चाहिए। तो देखिए संस्कार का ये क्रम है कि अपने गृह सूत्र के अनुसार संस्कार होना चाहिए सबके। तो हमारे यहाँ वेदों की ये जो है 1131 शाखाएं हैं, तो इन शाखाओं के लगभग प्रत्येक शाखा के है ना, प्रत्येक शाखा का अलग अलग गृह सूत्र, धर्म सूत्र, सुलभ सूत्र और शौच सूत्र है। तो इनके अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उस वेद की शाखा वालों के उस वेद के अनुसार, गृह सूत्र के अनुसार संस्कार होना चाहिए। तो स्त्री शूद्रों को तो किसी भी वेद का अधिकार नहीं, उनका कौन सा वेद है ये सब कुछ ऐसा तो कोई निश्चित नहीं है, इसलिए इन सब का जो है पारस्कर गृह सूत्र के अनुसार ही ये सब संस्कार होना चाहिए ऐसा निश्चय किया गया है। तो देखें पारस्कर गृह सूत्र के भाष्य में आचार्य श्री गदाधर जी ने लिखा हुआ है अपना पदार्थक क्रम चौल संस्कार के बाद लिखते हुए, वे लिखते हैं अथ शूद्रस्य संस्काराः। और शूद्रों के संस्कारों के बारे में बतलाते हैं, ये पारस्कर गृह सूत्र है, इसमें से हम जो है बतला रहे हैं, आप देखें अक्षर सा। वे लिखते हैं मनु, यानी मनुस्मृति का वचन है कि शूद्रोप्येवं विधा कार्यो बिना मंत्रेण संस्कृतः। बोले ये जो संस्कार हैं, यहाँ तक के जो संस्कार बताए गर्भाधान से लेकर के और चौल संस्कार यानी मुंडन केशा, ये जो है शिखा रखा जाता है, ये जिस संस्कार में वो चूड़ाकरण जिसको कहते हैं, यहाँ तक शूद्रोप्येवं विधा कार्य, इसी विधि के अनुसार उनके भी संस्कार होंगे बिना मंत्रेण संस्कृत, परंतु उसमें कोई भी मंत्र नहीं बोला जाएगा। न केनचित समसृजत छंदसा तम प्रजापति ही, न केनचित किसी भी छंद से यानी मंत्र से, वो छंदसा यानी मंत्रेण, किसी भी मंत्र के द्वारा प्रजापति ब्रह्मा ने शूद्रों का सृजन नहीं किया, इसलिए उनके संस्कार में मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। व्यास जी का वचन है देखिए कि हमारे यहाँ इतने संस्कार होते हैं, पहले बतला रहे हैं, गर्भाधानम पुंसमनम सीमंतो जात कर्म च नामक क्रिया निष्क्रमणोन्न प्राशनम बपन क्रिया कर्ण वेदो व्रता देशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांता स्नान मुद्बाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चैव संस्कारा षोडश स्मृता इत्यक्त्वा आह, ऐसा कह करके। तो ये 16 संस्कार हैं, इनमें से नवैता कर्ण वेदांता मंत्र वर्जम क्रिया स्त्रिया। तो स्त्रियों के जो संस्कार हैं
वे इन 16 संस्कारों में से शुरुआत के 9 संस्कार जो कि कर्णवेद तक, कर्णवेद संस्कार है वहां तक के संस्कार हैं, बोले मंत्र वर्ज्यम क्रिया, मंत्र को छोड़कर केवल क्रिया मात्र रूप में स्त्रियों के ये 9 संस्कार होंगे। और बोले विवाहो मंत्र तस मंत्र तस तस्या, और विवाह जो होगा ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की कन्याओं के जो विवाह होंगे तो उसमें बोले विवाह तो मंत्र पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि विवाह तो वर और कन्या दोनों का होगा तो मंत्र उसमें बोलाए जाएंगे। विवाहो मंत्र तस तस्या, परंतु शूद्रों के जो होंगे वे तो 9 तो यही संस्कार और एक विवाह, 10 संस्कार होंगे, लेकिन उनके विवाह में भी मंत्र नहीं बोलना चाहिए। वे शूद्रस्या मंत्र तो दश, शूद्रस्या अमंत्रतः दश, शूद्र के तो 10 संस्कार होंगे और वो सब क्रिया मात्र होंगे न तो मंत्र पूर्वक। बोले ये किसके अनुसार कह रहे हो, गदाधर जी को कोई पूछे तो वे कहते देखो ये हमारी बात नहीं है। इति यम ब्रह्म पुराण वचनाभ्याम, जैसा कि यम स्मृति में और ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि शूद्रस्य गर्भाधान पुंसमन सीमंत जात कर्म नाम देय निष्क्रमण अन्न प्राशन चूड़ाकरण विवाहांता नव संस्कारा विहिता तेच तूषणीम इति हरिहर भाष्य। और हरिहर भाष्य में भी यही लिखा है कि ये जो विवाहांत संस्कार हैं और वे भी तूषणीम माने अमंत्र पूर्वक चुपचाप ही होंगे। सारंगधरस्तु, सारंगधर आचार्य कहते हैं कि द्विजानाम षोडशैव स्युः शूद्राणाम द्वादशैव ही, बोले द्विजों के 16 संस्कार हैं और शूद्रों के 12 संस्कार हैं। हमारे यहाँ संस्कार 12-13 किसी ग्रीक सूत्र में, किसी में 16-24-48 तक संस्कारों की चर्चा है, तो वो कम ज़्यादा भी है। कुछ संस्कारों को जो है किसी ने ग्रहण किया है, किसी ने कृताकृत रूप में माना है, किसी ने नहीं कहा है उनको, ये बात है। तो मुख्य बात ये आई शूद्रों के 9 संस्कार या 12 संस्कार, लेकिन वे सभी अमंत्र पूर्वक होंगे। पंचैव मिश्र जाति नाम संस्कारा कुल धर्मतः, कुछ मिश्र जाति हैं, संकर जातियां, तो संकर जातियां जो मिश्र जातियां हैं, जो कहा जाए कि प्रतिलोमज अनुलोमजों को तो वेद में अधिकार होता है, अन्य युगों में होता था, कलयुग में नहीं है, परंतु जो प्रतिलोमज जो मिश्र जाति हैं उनके 5 संस्कार ही शुरुआत के होंगे, 4 होंगे शुरुआत के और 5वां विवाह होगा। पंचैव मिश्र जाति नाम संस्कारा कुल धर्मतः, वे अपने अपने कुल के धर्म के अनुसार अमंत्र पूर्वक करें। वेद व्रतोपनयनम महानामनी महाव्रतम बिना द्वादश शूद्राणाम संस्कारा नाम मंत्रतः, बोले जहाँ जो 16 संस्कारों में से शूद्रों के 12 संस्कार कहे थे तो उसमें से कौन से नहीं होना है, बोले वेद, वेद व्रत एक संस्कार है, वेद व्रत संस्कार नहीं होगा शूद्रों का, उपनयन यानी जो है यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा, महानामनी व्रत संस्कार है ये भी नहीं होगा, और महाव्रत ये संस्कार नहीं होंगे। बाकी के 16 संस्कारों में से ये 4 हट जाएंगे तो अपने रह जाएंगे 12 संस्कार। इनके बिना द्वादश शूद्राणाम संस्कारा नाम मंत्रतः, इस तरीके से कोई देवता है तो उनका नाम बोल करके, नमः लगा करके, नाम में चतुर्थी लगा करके, अंत में नमः लगा करके, इस मंत्र के द्वारा ही उनके संस्कार होंगे इत्याह, ऐसा कहा है। और ब्रह्म पुराणे तु विवाह मात्रम संस्कारम शूद्रोपि लभताम सदा इति, बोले तो ब्रह्म पुराण में तो ऐसा कहा गया है कि विवाह मात्रम संस्कारम शूद्र अपि लभताम, शूद्र भी केवल विवाह मात्र संस्कार को करे, वो भी आमंत्रक,
तो कोई 9 कह रहे हैं, कोई 12 कह रहे हैं, अब तो ये कह रहे हैं कि जो है एक ही संस्कार होना चाहिए, तो ये कैसे बात बनेगी? ब्रह्म पुराण का वचन है। तो देखिए आचार्य लोग इसका कैसे अर्थ करते, तो जो है फिट बैठता है, ऐसे ही समझ में आता, अन्यथा अपने बुद्धि से तो आएगा ही नहीं, है ना। बोले विवाह आत्म संस्कार शूद्रों पर लभताम सदैति, तो इसकी व्यवस्था देखिए, अत्र सदा सत शूद्र विषयत्वेन व्यवस्था। बोले सत और असत शूद्र के हिसाब से ये व्यवस्था है। जो सत शूद्र हैं, जिनका स्पर्श करने के बाद द्विजाति स्नान इत्यादि नहीं करते हैं, उनको सत शूद्र कहते हैं, और जिनका स्पर्श करने के बाद स्नान इत्यादि का विधान है, उन जातियों को असत शूद्र कहा जाता है। तो सत शूद्रों के तो 12 संस्कार होंगे, और असत शूद्र का केवल एक ही संस्कार होगा, वो कौन सा? विवाह संस्कार। तो सद असत शूद्र विषयम व्यवस्था कहते हैं, सत शूद्रस्य द्वादश असत शूद्रस्य विवाह मात्रम। आगे इन्होंने खुद ही लिख दिया कि सत शूद्र के जो है 12 संस्कार, और असत शूद्र का केवल विवाह इत्यादि ही होगा, विवाह मात्र ही होगा। एते च तूष्णीम कार्या, और ये सभी संस्कार सत असत शूद्रों के सभी संस्कार तूष्णीम माने मंत्र वर्ज्य, मंत्र रहित विधि पूर्वक ही होंगे। तथा च व्यास, जैसा कि भगवान व्यास ने अपनी स्मृति में लिखा है, क्या लिखा है कि शूद्रो वर्णस चतुर्थोपि वर्णत्वात् धर्ममर्हति। यद्यपि शूद्र जो है चतुर्थ वर्ण है, तो क्या हो गया, लेकिन है तो वर्ण, है तो चौथा वर्ण ही भाई, चार वर्ण है, तो वर्णत्वात् धर्ममर्हति, वर्ण होने से उनको भी धर्म का आचरण करना चाहिए, उनको भी संस्कार करना चाहिए, इसका उनको अधिकार है। अब देख रहे हैं ना आजकल जितने संस्कारों का अधिकार दिया, इतने भी नहीं कर रहे हैं, और जिस संस्कार का अधिकार नहीं दिया गया है, उसके कई लोग जो है नासमझी में चेष्टा करते हैं, हमको हम भी जनेऊ पहनेंगे, हम भी ये करेंगे, और जिन संस्कारों के लिए कहा गया वो संस्कार आप कहाँ कर रहे हैं। गर्भाधान के लिए कहा गया है पुंस मन जात कर्म सीमंतोन्नयन, ये विधि पूर्वक तो होना चाहिए, तो विधि तो आपको पता होनी चाहिए, देखें विधि मात्र रूप में करवाएं। कह रहे हैं आगे देखिए क्या क्या मंत्र कह रहे हैं, मंत्र वर्ज्यम मंत्र वर्ज्यम, तो मंत्र में क्या आता है, क्या नहीं बोलना है। तो आगे कहते हैं कि वेद मंत्रम स्वधा स्वाहा वसत्कारादि भिर बिना, ध्यान देना ये एक एक शब्द इसका जो बोला है परम प्रामाणिक है, और ये सबके लिए है, इसको लोग समझें और करें। ब्राह्मण लोग भी बिना उनको पता नहीं है क्या कुछ करवा दे रहे हैं, क्या कुछ समझ बैठे हैं या नहीं जानते हैं, इसलिए इसको ध्यान पूर्वक सुने और समझें। इसी तरीके से करने में और जो विधि है, तो विधि पूर्वक करेंगे तो उनको भी फल मिलेगा, करवाने वाले को भी मिलेगा, अन्यथा दोनों ही जो है अधर्म के भागी होंगे। कहते हैं वेद मंत्रम स्वधा, स्वधाकार नहीं बोलना है, स्वाहा और वसत्काराज भिर बिना, और वसत इनके बिना, इनको नहीं बोलना, स्वाहा पद स्वधा पद वसत्कार पद ये भी वैदिक ही हैं, सदा और ओंकार और वेद मंत्र इनको नहीं बोलना है। इति मरीचि, मरीचि ऋषि क्या कहते हैं इसी विषय में कि अमंत्र से तो शूद्रस्य विप्रो मंत्रेण गृह्यते इति, है ना। शूद्र के जो संस्कार है वो अमंत्रक रूप से ही होंगे, ब्राह्मण मंत्र के द्वारा ग्रहण करें ऐसा है। तेन शूद्र धर्मेशु सर्वत्र विप्रेण मंत्र पठनीय सोप्य पौराणक पौराण एवं इति शूलपाणि। बोले स्त्री शूद्रों के यहाँ भी मंत्र पढ़े जा सकते हैं, वो भी कौन से? शूद्र धर्मेशु सर्वत्र विप्रेण मंत्र पठनीय, शूद्र के यहाँ भी जो भी मंत्र कहे गए हैं वो उनके पिता इत्यादि या बालकों से न बुला करके वे सब केवल ब्राह्मण ही बोलेंगे, और वे भी सोप पौराण एव इति शूलपाणि, ऐसा आचार्य शूलपाणि ने कहा है कि सत शूद्रों के यहाँ पौराणिक विधि से पौराण मंत्रों से जो है क्रिया संपादित होगी, संस्कार संपादित होंगे। एवं शूद्र कर्तृक होमो विप्र द्वारा एव पुरा पराशरेणोक्ता,
इसी तरीके से जिन जिन संस्कारों में या जब भी शूद्रों के यहाँ कोई हवन कराना चाहते करना चाहते हैं तो वो सब विप्र द्वारा एव, वो ब्राह्मण के द्वारा ही करवाना चाहिए। किसी को जिद नहीं करना चाहिए कि भाई हम हवन करेंगे, हमें हवन करना है, हमें कोई फल नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको फल तभी मिलेगा जब आप अपने यहाँ विधिपूर्वक ब्राह्मणों से हवन करवाएंगे। एवं शूद्र कर्तृक होम, शूद्र के लिए जहाँ भी हवन लिखा है या जिन जिन संस्कारों में लिखा है तो वहाँ सर्वत्र, और वैसे भी शांतिक पौष्टिक इत्यादि कोई हवन कराना चाहता तब भी विप्र द्वारा एव, क्योंकि पराशरेण उक्तः, जैसा कि भगवान पराशर ने कहा है। लेकिन यदि इस नियम का उल्लंघन करके कोई ब्राह्मण सोचे कि चलो भाई इनके यहाँ जाएंगे तो दक्षिणा मिल जाएगी, अन्यथा ये रुष्ट हो जाएंगे, इनको ऐसा कहेंगे, तो इस लोभ से, यदि दक्षिणा के लोभ से है ना, अपना जो है इस व्यवहार के लोभ से यदि कोई ऐसा इसके विपरीत करता अर्थात वेद मंत्रों का वह प्रयोग करता है तो क्या होता है कि दक्षिणार्थम तो यो विप्र शूद्र से जो है याद धवी, यदि वह शूद्र की अभी को उनसे हवन कराता है दक्षिणा के लोभ से तो ब्राह्मणस्तु भवे शूद्र, वो ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, ये बात वहां कही गई है। अत्र माधवाचार्य व्याख्यातम, जैसा कि इसकी माधवाचार्य ने व्याख्या की है कि यो विप्र शूद्र दक्षिणाम आदाय तदीयम हवि शांति पुष्टियादि विषय वैदिकैर मंत्री जो होती, जो कोई ब्राह्मण जो है लोभ के कारण शूद्रों के यहाँ वेद मंत्रों से हवन करवाता है, करता है ना, उनसे करवाता है शूद्रों से, तस्य विप्रस्यैव दोषः। ठीक, और वहां जो है ब्राह्मण के लिए महान दोष कहा गया है। शूद्रों के लिए भी दोष है, कहीं कहीं शूद्रों को दोष नहीं बताया गया है। यदि ब्राह्मण लोभ से करा रहा है तो भैया आपको पता नहीं है तो आपको दोष नहीं लगेगा, उन्हीं ब्राह्मण को लगेगा, है ना। कि शूद्रस्तु होम फलम लभते, शूद्र को पता नहीं है कि भाई क्या विधि है, पर ब्राह्मण लोभ के कारण कर गए चले गए तो भाई उसको पातक नहीं लगेगा, लेकिन जानबूझ करके यदि शूद्र भी उसमें प्रवृत्त होंगे और करवाएंगे तो उनको भी पातक लगेगा। शूद्रस्य यत्र यत्र होमस्तत्र तत्र लौकिकाग्नौ एव, जहाँ भी शूद्रों के लिए हवन का विधान बतलाया गया है जिन व्रतों में जिन संस्कारों में है ना जिन अवसरों पर, तो वहाँ सब लौकिक अग्नि में पौराणिक मंत्रों से ही हवन का विधान समझा जाए। मंत्रांतरा विधानात् नमस्कार मंत्रेण इति, यदि कहीं कहीं कोई मंत्र का विधान भी कर दिया गया इस मंत्र से आप करें तब भी वो मंत्र नहीं बोलना, उस देवता का नाम में चतुर्थी लगा करके नमस्कार पूर्वक ही मंत्र बोलना है। नमस्कार मंत्रेण इति मदन पारिजात, ऐसा मदन पारिजात नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है। अब देखिए कि शूद्रस्य विवाह होमा भावश्च तत्रैव उक्तः, और वही मदन पारिजात में यह भी लिखा है कि शूद्रों के विवाह में भी हवन नहीं होना चाहिए। शूद्रस्य विवाह होम अभावश्च तत्र एव उक्तः, ऐसा वहां लिखा हुआ है। अगर उनको अगर करना भी है कहीं दूसरे आचार्य के मत में तो फिर केवल नाम मंत्र से ही होगा, और वहाँ भी वे जो है ब्राह्मण लोग ही करेंगे, क्योंकि विवाह है और विवाह में किस तरीके से किया जाए इसलिए वहाँ हवन की सामग्री का दान कर देना चाहिए, हवन नहीं करवाना चाहिए, यही उत्तम पक्ष है। ये बात उन्होंने कही है। इस तरीके से इस जो है प्रश्न के अनुसार आपको ये पता चला कि स्त्रियों के कितने संस्कार होते हैं और वे भी मंत्रवर्ज्य होते हैं, 9 संस्कार, 10वां विवाह, इसी प्रकार शूद्रों के भी 9 संस्कार या कहीं कहीं 12 संस्कारों की चर्चा है, तो वे सब शूद्रों के हैं और उसमें भी मंत्रवर्ज्य वेद मंत्रों से रहित विधि मात्र करना चाहिए। अशा शूद्रों का केवल विवाह मात्र से ही उनका कल्याण हो जाएगा, केवल विधि विधि होगी और वहाँ भी वेद मंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। और जहाँ भी पूजन करना है, जहाँ भी जो है आपको कोई व्रत के संबंध में कोई पूजन इत्यादि हवन करना है या और भी कोई भी जो है नैमित्तिक काम में कोई भी प्रयोग करना है तो वे सब कर सकते हैं पौराणिक विधि के अनुसार, और वो भी ब्राह्मण के द्वारा ही कराया जा सकता है स्वयं न करके,
और पूजन इत्यादि, पार्थिव पूजन, भगवान की स्तुति, श्री रामचरितमानस आदि का पाठ ये सब लोग कर सकते हैं। हर हर महादेव।